हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, अभी जो अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर को जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर आने वाला है उस एग्जाम से रिलेटेड हम सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर आज से देखा जाए तो उस एग्जाम के लिए सिर्फ कितने दिन बचे हैं, 15 दिन का टाइम आपके पास बचा है। अभी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन ढंग से स्टार्ट भी नहीं करी है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिनकी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है वो इसके थ्रू पूरे के पूरे टाइम टेबल के थ्रू अपनी पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जिनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है वो इस पूरे के पूरे लेक्चर के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा रिविजन कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम सारे के सारे टॉपिक्स की, इंडिविजुअली सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कि किस दिन आपको कौन कौन से टॉपिक्स खत्म करना है। अगर दिन की वाइज बात करी जाए या फिर डे वाइज बात करी जाए तो डे को आपको पूरे के पूरे चार पार्ट में डिवाइड करना है, और चार पार्ट में अगर आप डिवाइड कर लोगे आप तो उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक पार्ट में आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ोगे। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैंने आपको पर्टिकुलर टॉपिक इस लेक्चर में पूरा का पूरा बता दिया है। अगर हम रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में मैं आपके सामने पूरे के पूरे आठ, शुरू के आठ दिन आपके सामने दिख रहे हैं। पहले दिन में क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। दूसरे दिन में क्या है, सिलॉगिज्म। तीसरे दिन में क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पुराना पैटर्न और नया पैटर्न दोनों का दोनों पूरा फॉलो करना है। अगर हम फोर्थ डे पे बात करें तो फोर्थ डे पे आपको क्या कवर करना है, एनालॉगी। इस तरीके से अगर हम फिफ्थ डे में चलें तो फिफ्थ डे में आपको क्या करना पड़ेगा, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको एक चीज याद रखना है कि देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट जो बैंकिंग वगैरह में आता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, पर जो एसएससी में आता है थोड़ा सिंपल रहता है। इस तरीके से जो आपका आईबी में जो सेटिंग अरेंजमेंट आएगा वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा क्योंकि वो एक जो पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि एसएससी वाला सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहेगा। क्वेश्चन की बात करें, अगले टॉपिक की बात करें तो सिक्स्थ डे पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन रिलेटेड टू फिगर्स। तो रिलेटेड टू फिगर्स जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, फिगर काउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई फिगर दी है तो उसमें आपको ये काउंट करना पड़ेगा इसमें ट्राइंगल्स कितने हैं, स्क्वायर्स कितने हैं, तो ये आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन रिलेटेड टू फिगर्स। इस तरीके से अगर आप पार्ट सेवन में चलें तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉक एंड कैलेंडर। डे एट में अगर हम चलें तो डे एट में आपको क्या कवर करना है, मिरर एंड वाटर इमेज। अगर हम डे नाइन की बात करें तो डे नाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सारे के सारे कंप्लीट करना है क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। डे टेन में चले तो डे टेन में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन। डे इलेवन में चले तो डे इलेवन में हमें क्या करना पड़ेगा, मिसिंग नंबर। डे ट्वेल्थ में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपको दोनों टाइप के ब्लड रिलेशन तैयार कर लेना। अगर गलती से आईबी ने आपसे पूछ लिया कि भाई कोडेड ब्लड रिलेशन आपको क्वेश्चन में दे दिए तो आपको वो भी सॉल्व करना आना चाहिए। 13th डे की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, पजल्स करना पड़ेंगी। डे 14 में आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा सफिशियंसी। डाटा सफिशियंसी में जितने सारे क्वेश्चन आते हैं उतना आपको पूरी की पूरी वैरायटी प्रैक्टिस करना है। और 15th डे पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे का पूरा एक मॉक पेपर आप सॉल्व करोगे, और मॉक पेपर सॉल्व करने के अलावा अगर आप चाहो तो आप एसएससी रिलेटेड पेपर भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा सिमिलर रहता ही है। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। इस तरीके से डे टू में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डे थ्री में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से अभी जो क्वेश्चन आए थे, यानी कि एसएससी में सीधे सीधे सीजीएल में सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, हो सकता है क्योंकि ये पैटर्न, ये एग्जाम है जो एसएससी से सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए हो सकता है कि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने मिले। अगर डे फोर की बात करें तो डे फोर में आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बाद अगले दिन आपको क्या करना पड़ेगा, एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके लिए एक चीज आप ये कर सकते हो कि जितने इंग्लिश रिलेटेड अभी पेपर हो रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, एसएससी एमटीएस के पेपर हुए, तो इसमें आप जितने क्वेश्चन, जितनी वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं आप वो कर लीजिए। इसके अलावा एक बार पेपर वो कर लेना जो लास्ट बार आईबी का पेपर हुआ था। तो इंग्लिश आपकी ओवरऑल ऐसे कवर होती है। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पूरी की पूरी क्या रखना पड़ेगी, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इंग्लिश में आप जाके एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करते जाओगे उतनी ज्यादा आपका ओवरऑल जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। अगर हम डे सिक्स की बात करें, डे सिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, पैरा जंबल। डे सेवन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज टेस्ट। इस तरीके से डे एट में आपको क्या करना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हम डे नाइन की बात करें तो आपको क्या याद करना है, एडियम एंड फ्रेसेस। देखिए, एडियम एंड फ्रेसेस को हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि कौन से एक्जैक्टली एडियम एंड फ्रेसेस आएंगे, बट अभी जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए एटलीस्ट वो तो आपको पूरे के पूरे आना चाहिए। स्पेलिंग एरर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। स्पेलिंग एरर के बाद क्वेश्चन अगर डे 11 पे चले तो डे 11 में आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग कंप्रहेंशन।
और डे 11 के बाद डे 12 में आप पूरे SSC CGL के आप चाहो तो पूरे के पूरे सेट प्रैक्टिस कर लेना, मतलब जितने, क्योंकि इंग्लिश बहुत जल्दी होता है, तो अगर आप 3 घंटे भी लग के बैठे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप आराम से क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर डे 13 की बात करो तो डे 13 में आपको क्या करना पड़ेगा, SSC MTS का जो भी एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड उसमें जितने इंग्लिश के सेट आए थे वो आपको सारे के सारे कंप्लीट करना है। अगर हम डे 14 की बात करें, अगर डे 14 की बात करें तो आईबी का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर का, तो वो आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से डे 15 पे आप क्या करोगे, सिर्फ आप एक मॉक पेपर कर सकते हो। चलते हैं मैथ्स में। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है परसेंटेजेस, इसलिए परसेंटेजेस आप सबसे ज्यादा कवर करोगे। डीआई का वेटेज सबसे ज्यादा होता है इसलिए आपको इनिशियली कवर करोगे। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एक पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन आता है इसलिए आपको इसको डे 3 में कवर करना है। डे 4 में आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क। इस तरीके से आप डे 5 में क्या कर सकते हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन। डे 6 में आप क्या कर सकते हो, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको एक चीज याद रखना है कि आपको सारे के सारे फॉर्मुलेस याद करना पड़ेंगे। देखिए एग्जाम में जाके आप फॉर्मुलेस में कंफ्यूज मत होना कि भाई ये कौन का फॉर्मुला था, ये सिलेंडर का फॉर्मुला है, तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पूरे के पूरे फॉर्मुले क्या करना है, बाय हार्ट करके जाना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको वो भी पूरी की पूरी करके जाना है। अगर डे 7 में चलो तो डे 7 में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आजकल जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं उसमें डिस्काउंट के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर एक और चीज आ रही है क्वेश्चंस में कि भाई अगर सेल्स में चीटिंग कर रहा है तो वो चीज भी बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। अगर डे 1 पे चलो, डे 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपको साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन और सेक्मा रिलेशन, तो ये सारे के सारे फॉर्मुलेस याद होना चाहिए। डे 9 पे चलो, डे 9 में आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा देता था, लेकिन SSC ने ये ट्रेंड चालू किया है तो हो सकता है कि बाकी सारे एग्जाम्स भी इसको फॉलो करें। तो अभी जो न्यू पैटर्न में चल रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर डे 10 की बात करें तो डे 10 में आपको करना है पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन। पार्टनरशिप के लिए आपको एक बेसिक सा तरीका याद रखना पड़ता है, एक सिंपल फॉर्मूला होता है वही आपको याद रखना पड़ेगा। डे 11 की बात करें तो डे 11 में बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्री के आपको बेसिक फंडामेंटल्स याद करना पड़ेंगे। जैसे फंडामेंटल बेसिक में आपको क्या करना पड़ेगा कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अगर कोई आउटसाइड एंगल है फिगर के तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये सारी की सारी चीजें कहां पे आती हैं, बेसिक ज्योमेट्री में। डे 12 की बात करें तो आपको क्या याद करना है या फिर क्या सॉल्व करना है, वो आपको करना पड़ेगा प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजेस। अगर डे 13 पे चले तो डे 13 में आपको क्या करना पड़ेगा, SSC CGL के जितने मैथ्स रिलेटेड, तो वो आपको पूरे के पूरे आप SSC CGL के सेट सॉल्व कर सकते हो। अगर डे 14 की बात करें तो डे 14 में क्या करना है आपको, क्योंकि सिंस एक दिन में आपके पूरे SSC CGL के आप सेट नहीं कर सकते, इसलिए आप जितने क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे रेंज से बाहर है तो एक बार उनके फॉर्मुलेस देख लेना, उनके सॉल्यूशन देख के चले जाना। डे 15 की बात करें तो डे 15 में आपको क्या करना पड़ेगा, एक मॉक पेपर, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी फाइनल स्ट्रेटजी एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आप जाके कोई नई चीज ट्राई करोगे एग्जाम में तो डेफिनेट सी बात है आप कंफ्यूज हो जाओगे, और एक बार एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, आपने फोकस लूज कर दिया, तो आप बहुत सारे मार्क्स लूज कर दोगे। इसलिए बेटर है कि हम पहले एक एक मॉक पेपर प्रैक्टिस करके जाएं ताकि एग्जाम में हमारा कॉन्सेंट्रेशन लूज ना हो। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की, तो जनरल अवेयरनेस में हम इनिशियली स्टार्टिंग करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ, जिसमें भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री में आपको जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको कवर करके जाना है। अगर थर्ड डे पे चले, थर्ड डे में हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिटी एवं जितने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे की सारी चीजें आपको कंप्लीट करना पड़ेगी। इसके बाद अगर हम डे 4 में चले तो डे 4 में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो गई, तो उनके कितने टास्क होते हैं, उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनकी कितनी पावर्स होती हैं, वो सारी की सारी चीजों पे आपको कवर करना पड़ेंगे। इसके साथ साथ उनका इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। डे 5 में हम बात करें, डे 5 में हम क्या बात करेंगे, पॉलिटी के जितने सारे टॉपिक बच गए हैं उन सबको हम कवर कर सकते हैं डे 5 में। डे 6 पे चलते हैं, डे 6 में आपको क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के बाद डे 7 में अगर हम चले तो इकोनॉमी एंड फिजिक्स करना है। डे 8 में अगर हम बात करें तो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी के अलावा। अगर हम बात करें डे 9 की, डे 9 में क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स, जितनी करंट में न्यूज़ चल रही है वो सारी की सारी आपको कवर करके जाना है। इसके अलावा डे 10 पे चलते हैं, डे 10 में हमें क्या करना पड़ेगा, अपकमिंग नेशनल इवेंट्स, जितने सारे जो इवेंट्स आने वाले हैं, इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे या फिर कोई इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होने वाला है, तो उन चीजों के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी तैयारी करना पड़ेगी। डे 11 की हम बात करें तो डे 11 में हमें क्या करना है, पास्ट ईयर में आईबी और SSC में जितने पेपर हुए हैं हम उनकी तैयारी करके जाना है। डे 12 में हम पूरे का पूरा अपना रिविजन कंप्लीट करेंगे। डे 13 में हमें क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट लोकेशन एंड पासिस,
जैसे भी देख डोकलम इशू चल रहा था, तो डोकलम इशू में जितने पासेस वगैरह जिसके आसपास से डोकलम इशू चल रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको कवर करके जाना है। डे 14 में हम एसएससी के रिसेंट पेपर्स डिस्कस करना है, क्योंकि आईबी और एसएससी का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम डे 15 की बात करें तो डे 15 में आपको एक पेपर सॉल्व करना पड़ेगा जो कि एक मॉक पेपर रहेगा। तो इस तरीके से आप पूरे का पूरा अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। इसके अलावा जितनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड होंगी वो आपको हमारे चैनल पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा बैंकिंग, एसएससी और व्यापम, इससे रिलेटेड भी आपको सारी की सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा राइट कलर का जिसपे पिनिकल का लोगो, उस पर आपको क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब ऑप्शन साइड में दिखाई देगा, उसको आपको बस सेलेक्ट करना है। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, टेक केयर।